दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंटीरो लेटरल सिस्टम के। एक तो मैंने देखा था ना कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास थैलेमस में जाते हैं, वेंट्रोपोस्टर लेटरल न्यूक्लियस में, जो फास्ट फाइबर्स होते हैं पेन के, और जो स्लो पेन का फाइबर था वो जा रहा था रेटिकुलर फॉर्मेशन में, और उसने और कहाँ जाना था, इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। उसके बाद ये स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज। अब सेरिबेलम आपको पता है तो मतलब ब्रेन स्टम का पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पाइनो सेरिबेलर मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से उन्होंने कहाँ जाना है, सेरिबेलम में जाना है। द पाथवेज दैट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरिबेलम आर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज और इप्सी लेटरल टू द सेरिबेलम होते हैं। ये आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ये एक डायग्राम है जिसमें ये आपका ब्रेन स्टेम, जिसमें ये पॉन्स है ऊपर वाला पार्ट, ये मेडल्ला है, और उसके अराउंड ये वाला जो है ये सेरिबेलम है। अब देखें ये जी टी ओ मीन गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, और ये पसिनियन कॉर्पसल्स या मिजरल रिसेप्टर्स जो होते हैं, या मसल स्पिंडल जो होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फाइबर जाता है और यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्लार्क न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे उसने रिले करना है क्लार्क न्यूक्लियस में, और उसने कहाँ मूव करना है, हमारे लेटरल सिस्टम में या लेटरल कॉलम में उसने मूव करना है। और ये हैं हमारे पास पुडंकल्स, ये देखने ये वाली जो ये पॉइंट्स हैं ये पुडंकल्स हैं। पुडंकल्स मतलब के फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो कनेक्ट करते हैं हमें हमारे ब्रेन स्टेम को सेरिबेलम के साथ। यानी कि अब ये जो इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल है, ये मिडल सेरिबेलर पुडंकल है, और ये सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल है। क्या होते हैं एक्चुअली, ये वाइट मैटर के बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं। और अब ये जो फाइबर आ रहा था, इसने मूव करना है अपवर्ड, और इसने कहाँ से एंटर हो जाना है, इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल से इसने एंटर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो गोली टेंडन ऑर्गन्स और सम फाइबर्स हैं, उन्होंने यहाँ से मतलब इप्सिलैटरली मूव नहीं करना, मीन कि अगर वो इस साइड से आ रहे हैं, या मतलब इसको अगर हम राइट साइड मानते हैं, तो राइट साइड से अगर वो आ रहे हैं तो उन्होंने राइट साइड से ये असेंड नहीं करना, वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएंगे, मूव करेंगे अपवर्ड, और वो एंटर होंगे सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल से। लेकिन सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल में जाके उन्होंने सब्सटेंस ऑफ द सेरिबेलम में अगेन क्रॉसिंग करनी है, मीन के जो राइट का फाइबर है वो लेफ्ट में जाएगा, और वो लेफ्ट का फाइबर है वो राइट में जाएगा। तो एक्चुअली अल्टीमेटली जो है वो उसका जो रिजल्ट वो क्या होगा, कि वो जो इप्सिलेटरली मतलब इसका रिजल्ट आएगा कि जो राइट का फाइबर है वो राइट में ही, या राइट के सेरिबेलर कॉर्टेक्स में ही आ जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लार्क न्यूक्लियस लिखा हुआ है, C8 to L3 रिसीव्स इन्फो फ्रॉम ट्रंक एंड लोअर बॉडी, और यहाँ पे आके वो मतलब जो न्यूरॉन्स हैं फर्स्ट ऑर्डर वो यहाँ से करके रिले, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपवर्ड ना, ठीक है। और फाइबर्स असेंड अपवर्ड इन द मेडल्ला पास थ्रू द इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल्स एंड कनेक्ट टू द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, द पाथवे इज कॉल्ड पोस्टीरियर और डोर्सल सेरिबेलर पाथवे और द ट्रैक। अब जो डोर्सल या पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल से पास करते हैं और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जबकि जो वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल से एंटर करते हैं, उसके बाद विद इन द सब्सटेंस ऑफ द सेरिबेलम जो है वो क्रॉसिंग करते हैं, और दोबारा से मतलब के जो हमारा एक मतलब रिजल्ट है अल्टीमेट वो क्या आ जाता है, वो इप्सिलेटरली आ जाता है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट है, क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे इज द सेंटर काउंटर पार्ट ऑफ डोर्सल स्पाइनल सेरिबेलर पाथवे बट फ्रॉम द अपर बॉडी। इस लाइन की समझ फिलहाल नहीं आएगी तो उसको भी रहने देते हैं। और ये था हमारा रिमेनिंग पार्ट, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिसेंडिंग पाथवे पे आएंगे।